ये नया वाला हमारा 5530 है, सिग्ना वाला, और ये 300 एचपी वाली गाड़ी है। और जनरली इसमें तीन वेरिएंट आते हैं। एक इसमें ऐसा आता है, इसमें एसी भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, सादा आता है। यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह मिलती है और ब्लोअर्स मिलते हैं। फिर एक ऐसा आता है इसमें स्क्रीन वगैरह नहीं आती, और जिसमें सिर्फ आपका मिड वेरिएंट, जिसको हम कहते हैं, मोस्टली फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, बट आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब एसी मिल जाता है, बट ये नहीं मिलेगा आपको टच स्क्रीन वाला सिस्टम। अब कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले आता है, बट मुझे टेक्निकली जब भी नहीं लगा था कि यार इसमें क्या फंक्शनैलिटी डायरेक्टली होगी, तो वो एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि इसमें क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो वो चीज़ है, फिलहाल मैं आपको कुछ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखने में जितना सुंदर लगता है ना, ये प्रीमियम लगता है, इनकी फंक्शनैलिटी एक्चुअली है। मतलब ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए, तो अब ये इसको कौन कितना किसको कैसे ट्रेन कर पाएगा वो एक अलग बात है, बट आप समझो कि ये काफ़ी प्रीमियम टच देने की कोशिश करी, और काइंड ऑफ अ वेरी प्रीमियम है भी। जैसे सिग्ना वगैरह है, सिल्वर लगा हुआ है, डबल टोन है, और इसको ना पकड़ने में भी ऐसा है, मतलब ऐसे रबड़ रबड़ जैसा फीलिंग नहीं आता। जनरली हम बाहर से स्टीयरिंग कवर लगवाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा देखो आप, ये रबड़ जैसा फीलिंग आएगा, ब्लैक पियानो करके है, तो मतलब बहुत अच्छा है। बट हम पहले ये समझते हैं इसके अंदर क्या है। देखो, ये आपका ना सिर्फ यूएसबी चार्जर आउटपुट है, या मतलब आप इसको मान लो कि या तो इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, या यहाँ पे पेन ड्राइव लगा लो या कार्ड लगा लो तो गाने सुन सकते हो डायरेक्टली, वो एक चीज़ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, तो देखो गाने सुनने के लिए ये मिलता है। आप गाने सुनने के लिए चार सोर्स ऑप्शन मिलते हैं, चार सोर्स ऑप्शन में एक रेडियो है, एक आपका यूएसबी है, मतलब इसे पेन ड्राइव लगा लिया, कार्ड लगा लिया, एक ब्लूटूथ से आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, तो मोबाइल का कनेक्शन ब्लूटूथ से होता है, उससे आप कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो। कॉल्स अटेंड करने के लिए फ़ोन काटने और लगाने के लिए यहाँ बटन्स दे रखिए, और ऑक्स लगा सकते हो, मतलब यहाँ से केबल लगा के सीधे फ़ोन में लगा लो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना है, तो रॉक से भी आपकी फ़ोन पर बात हो जाएगी। तो ये चार फंक्शनैलिटी इसके अंदर मिलती है। फिर यहाँ पे फ़ोन के लिए दे रखा है, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होता तो दिखा देगा कि पिछले आपने किसको फ़ोन डायल किया था या क्या तरीके से चीज़ था। बाकी यहाँ पे अभी ना एक फ़ोन मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, इजी कनेक्शन वगैरह, एक ऐप आती है मैंने बताया ना, इससे आप आउटपुट ले सकते हो, तो उसको फ़ोन में कनेक्ट करोगे तो वो मिल जाएगा। अब वो फ़ोन कनेक्शन हो गया, क्या सारी फंक्शनलिटीज़ आएंगी वो मैं कभी आपको बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसको ट्राई ही नहीं किया है। और यहाँ पे आपको व्हीकल इन्फो दिखेगी। अब ये चीज़ जो है ना, ये वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो जनरली हमें सारी चीज़ें तो यहाँ पे मीटर पे देखने को मिल जाती है, मीटर प्लेट पे सारी चीज़ें देख रहे थे इंस्ट्रूमेंट टेस्टर पे, बट जैसे अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में किस टायर में कितनी कम ज़्यादा हवा है। अगर आपने जो है कुछ क्रूज़ कंट्रोल लगा रखे, जैसे कि मतलब अगर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की कोई सेटिंग्स है कि भाई गाड़ी जो है ना वो आपने 60 पे सेट कर दिया, 55 पे सेट कर दिया, 55 पे चल रही है, तो क्योंकि टाटा की कुछ गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल आता है, बट इस वाली गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे फिलहाल अभी है नहीं। मतलब इसमें आप दोनों तरफ देखोगे, वैसे क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग होती है वो यहाँ होती है, तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, बट ये आपकी व्हीकल हेल्थ दिखा देगा। अब व्हीकल हेल्थ में क्या कुछ आता है, देखो यहाँ पे ये पैरामीटर्स कम ज़्यादा होते रहेंगे बेस्ड ऑन दी कैलिब्रेशन। अब कौन से कैलिब्रेशन है, देखो यहाँ पे दिखा रहेगा बैटरी की हेल्थ की 24 वोल्ट बैटरी को बनाना चाहिए, तो 25.40 वोल्ट के आसपास बना रहा है, 45 वोल्ट तो ठीक है, मतलब बैटरी की हेल्थ अभी 99% यूरिया का लेवल है, तो ठीक है चलो ये भी फिल नहीं करना है आपको। और कूलेंट का टेम्परेचर दिखा रहा है, टेक्निकली ये इंजन टेम्परेचर ही होता है भाई, 60 डिग्री के आसपास, 58 डिग्री सेल्सियस है, तो ये चीज़ दिखा देगा। बट इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ना और चीज़ें दिखती है व्हीकल की परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में जनरली ना बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि हॉर्स पावर, टॉर्क वगैरह, तो उनको बाद में टाटा एक ओवर द जो फोटा कहते हैं ना, फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट, उसके साथ आ जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखो क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिखाएगा आपको कि यार 25,860 किलोमीटर के आसपास जो गाड़ी है वो चल गई है। यहाँ पर टोटल रनिंग टाइम दिखा देगा कि 796 घंटे, लगभग 800 घंटे गाड़ी चलने वाली है। अब ये तो आपको टोटल हो गया गाड़ी कितनी चली, उसमें से ट्रिप आप सेट कर सकते हो, जनरली आप फ्यूल व्यूल भराते हो ना तो ट्रिप सेट कर लेते हैं, तो जैसे ट्रिप मान लो कि इतना चला हुआ है, डिस्टेंस इतना है कि 3,937 किलोमीटर के आसपास है, और ये माइलेज दिखा रहा है। तो सिग्ना में आप मान लो ये ना हमारा 6 चक्के वाला सिग्ना है, मतलब 6 चक्के वाला घोबक बैलेस्टन के आसपास ये गाड़ी जो है वो आती है, और उसमें आप देख लो कि मतलब बैलेस्टन की पासिंग में आती है गाड़ी, बैलेस्टन का आप लोड इसमें डाल सकते हो टेक्निकली, तो लगभग 2.6 का माइलेज आता है। अभी काफ़ी लंबे लॉन्ग रन्स के टोटल माइलेज है, मतलब देखो 4,000 किलोमीटर का माइलेज है, तो वो एक आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको फोन कनेक्शंस वगैरह, बैटरी हेल्थ वगैरह वो दिखाएगा, क्योंकि ये गाड़ी जो है पूरी कनेक्टेड आती है, इसमें दिखाता है मालिक को भी कि कब डीजल भरा है कब नहीं भराया, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें आती है। और यहाँ से भी आप इसको चेंज, होम पे आना है आप गाने वाने चेंज करने, वो जैसे गाना सुना है तो ये आप यहाँ से गाने वाने कर सकते हो। साथ में यहाँ से भी आप देखो गाने बढ़ाओगे ना, आवाज़ बढ़ाओगे तो देखो ये देखो यहाँ से बढ़ रहा है ना ये आवाज़, और ये यहाँ से आप ऐसे बंद कर दोगे तो यहाँ पे ये गाना फिर ऐसे बंद हो जाता है। साथ में ये आप चेंज कर सकते हो, साथ में सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब सोर्स सिलेक्शन क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो कि मुझे यूएसबी पे आना है, तो कोई यूएसबी नॉट फाउंड दिखा देगा, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड, या ऑक्स पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और ये होम पे आ जाएगा। मतलब जैसे इसको दबाओगे तो ये होम पे आ जाएगा, यहाँ से सोर्स आ जाता है, यहाँ से होम आ जाता है, और ये फ़ोन उठाने बहुत ही बेसिक सी फंक्शनलिटीज़ है, बट बहुत ही कमाल की फंक्शनलिटीज़ है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद आता है। फिर गाड़ी में तीन लाइट, मीडियम और हैवी मोड दे रखे हैं। भाई जब गाड़ी चालू होती है तो हैवी में होती है, अगर सोचो आप गाड़ी को हैवी में चालू कर रहे हो, खाली गाड़ी है ना, तो आपको हमेशा लाइट में ही लेके जाना है। इसको ऐसा 3 मिनट तक दबाओगे
तो ये लाइट मोड में आ जाएगी गाड़ी और फिर आपको करना है। गाड़ी जनरली चालू होती है तो आपकी हैवी में चालू होती है क्योंकि वो थोड़ा सा गाड़ी, और गाड़ी ऐसा नहीं यार चालू करने के बाद ना आपको तुरंत नहीं बढ़ा देना, तुरंत रेस मत लिया करो या बैक गियर डालने के पहले आगे जाने, पहले थोड़ी देर आपको गाड़ी को चालू करके रखना है, RPM बनाना है, मौसम बनाना है, गाड़ी में जो ऑयल है वो चढ़ जाए, ऊपर तेल है वो चढ़ जाए, पूरा इंजन में जितने पार्ट्स है ना वो ल्यूब्रिकेट हो जाए, उसके बाद में आप उसमें कोशिश करो कि आपको फिर गाड़ी में आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो जैसे आप नींद में सो रहे हो और फिर सोते हो कि आपको एकदम हिला के उठा देगा तो आप कैसे उठोगे पूरा, तो गाड़ी को पहले पूरा उठाओ जगाओ उसके बाद में आगे बढ़ाओ तो गाड़ी सही चलती है। फिर ऐसे लोड वगैरह के इंजन वगैरह का, इंजन ब्रेक जैसे घाट पे नीचे जा रहे हो तो इंजन ब्रेक वगैरह के लिए, इंजन कंट्रोल करने के लिए स्विचेस वगैरह हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हेल्ड होल्ड दिया रखा है। जैसे गाड़ी आपकी घाट पे है ना तो क्या होता है जनरली हम जैसे मेरा ऐसा ना आधी ब्रेक आधे क्लच पे पैर चलाता हूँ, तो वैसे नहीं चलाना है आपको गाड़ी में, ये आपको एक्टिवेट कर देना है, तो यहाँ से आप ऐसे जाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ भी आपकी इंस्ट्रूमेंट कस्टमर भी आ जाता है कि हेलो एक्टिवेट हो गया, तो फिर क्या गाड़ी आपकी बैक नहीं जाती, गाड़ी अपने आप से ब्रेक लगा के रखती है। बाकी बढ़िया डिज़ाइन यार ये, पहले ना ट्रिप टिपर्स में आता था, मतलब ये आपके जो हमारी गाड़ियाँ होती ना जैसे कंस्ट्रक्शन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं टिपर वगैरह होते हैं उनमें आता था ये ऐसा डिज़ाइन, पर अब तो गाड़ी बढ़िया टाटा ने बना दी है, और ये तो खैर शो के लिए है, जनरली गर्म नहीं होता, डैशबोर्ड वगैरह इस चीज़ के लिए लगा रखा है। बाकी गाड़ी में एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मेरी शक्ल के अलावा कि ये ना बहुत अच्छे से इन्होंने फिनिशिंग करा रखी है, मतलब जो ये पंजाब वगैरह में जो बॉडियाँ बनती है ना, ये देखो SS का पूरा काम है यहाँ पे, और बहुत ही सही फिनिशिंग इसकी है, मतलब जो आप जैसे यहाँ देखोगे ना अनइवननेस ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, चाहे वो आपका लॉक हो, चिटकनी हो, मतलब कुछ भी चीज़ है आपने देखा होगा तो वो बहुत ही सही एकदम फिनिशिंग है। जैसे ये कंपनी लाइट को भी देखो इन्होंने कितने अच्छे से इसके अंदर कटिंग करी है, साइड से भी मतलब पीछे भी इन्होंने स्टोरेज बना रखा है, मतलब यहाँ भी प्रॉपर स्टोरेज है, क्योंकि भाई बंदा चलेगा यार 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जाते हैं तो कुछ सामान तो रहता ही है, तो उधर भी रखा इधर भी रखा, इनमें लॉक भी लगे हुए हैं, तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया बनी हुई, मतलब इतना प्यारा बना हुआ सिग्ना मैंने रिसेंट टाइम्स में पहली बार ही देखा है। कुछ लाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाई हैं, उसके लिए स्विचेस वगैरह हैं, तो मेरे को मन था कि कंट्रोल्स वगैरह के बारे में मैं आपको बता दूं और इसके बारे में आपको बता दूं, तो ये मैंने बता दिया। और ये तो भाई वही अपना नॉइज़ स्पीड का गियरबॉक्स आता है, लगभग आप मान लो 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर आता है, 300 HP की पावर है, टाटा का कमिंस का 6.7 लीटर वाला इंजन है, बाकी तो भाई टाटा का जो है वो ये सिस्टम सारा का सारा है और काफ़ी बढ़िया है, और एक्चुअली ये भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा आपको 10-12 मिनट का, मैं डिस्क्रिप्शन में और प्रिंट कमेंट में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप जाकर देख लो, चेक कर लो। बाकी भाई लाइक वाइक करो, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।